वेलकम टू आसिफ बुखारी स्पीक्स कवरेज, जिसमें दूसरा टेस्ट मैच जो है वो खेला जा रहा है जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज की टीमों के मबैन। और जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर टीम वेस्ट इंडीज द्वारा जिम्बाब्वे पर है, और वही ग्राउंड है, वही स्टेडियम है बुलावियो के मुकाम पर, जहाँ पर पहला टेस्ट मैच जो है वो एक ड्रॉ तो हुआ, लेकिन वहाँ पर जो है वो एंटरटेनिंग ड्रॉ मैं उसको कहूँगा। और ये जो मैच है ये इस सीरीज का डिसाइडर मैच है, और इसमें आज अगर मौसम की हम बात करते हैं तो क्लाउडी तो वेदर है वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पर कोई बारिश जो है वो नहीं है, बारिश के चांस नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आने वाले दिनों में बारिश नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरप्शन जो है वो इस मैच में नहीं होगी, और इसका मैच का जो है वो रिज़ल्ट जो है वो ज़रूर आएगा। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान, आपका अपना क्रिकेट कमेंटेटर आसिफ बुखारी, और बिल्कुल आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो है ये सारा टेस्ट मैच जो है वो हम आपके साथ रहेंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि जो पहला टेस्ट मैच हुआ था इसी मुकाम पर, तो उसमें सबसे अहम और सबसे नुमाया जो चीज़ थी वो थी शिव नारायण चंद्रपॉल, एक माजी के बड़े शानदार जो हैं बल्लेबाज रहे हैं वेस्ट इंडीज़ की जानिब से, दूसरे नंबर पर जो हैं उन्होंने रन्स बनाए हुए हैं ब्रायन लारा के बाद। उनके फरजंद, उनके बेटे, उनके सन टैगे नारायण चंद्रपॉल, उनकी जो इम्प्रेसिव उन्होंने स्टार्ट किया अपने वेस्ट इंडीज़ टेस्ट करियर का, तो उन्होंने पहली सेंचुरी बनाई और पहली को ही उन्होंने डबल सेंचुरी में बना दिया, कन्वर्ट कर दिया, और 207 रन्स पर जो है वो नॉट आउट रहे। और उन्होंने मतलब क्रिकेट की तारीख के वो पहले जो है वो बाप बेटा बन गए जिन्होंने डबल सेंचुरी जो है वो बनाई है अपने मुल्क की जानिब से। और ये जो 207 रन्स की जो उनकी इनिंग्स थी, इसने एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड पार्टनरशिप जो है वेस्ट इंडीज़ के लिए बनाई कप्तान जो है उनके ग्रेग ब्रैडफिट के साथ, जिन्होंने खुद 182 रन्स बनाए, बजाते खुद अनलकी रहे, 200 रन्स अपने पूरे नहीं किए उन्होंने। और इसके अलावा ब्रैंडन मावूता जो है वो उन्होंने अपने टेस्ट करियर का पहला फाइवर जो है वो उन्होंने हासिल किया, और फिर इतना नहीं है बल्कि बैट के साथ जो है उन्होंने हाफ सेंचुरी जो है वो भी बनाई, और इस तरह अपनी टीम को अच्छी पोजीशन में ले आए, और गैरेथ बैलेंस के साथ उन्होंने एक अच्छी शराकतदारी जो है उन्होंने लगाई। और बैलेंस की अगर मैं बात करूँ तो बैलेंस जो है ये पहले इंग्लैंड की तरफ से खेले हैं, उन्होंने सेंचुरियाँ भी बनाई हुई हैं, लेकिन अब इन्होंने जिम्बाब्वे जो है वो अपना कयाम किया है, और उन्होंने जिम्बाब्वे की तरफ से जो है वो खेलना शुरू कर दिया है, और जब से उन्होंने इंग्लैंड से वापसी की है तो वो जिम्बाब्वे की तरफ से खेल रहे हैं, और उन्होंने भी जो है वो हाफ सेंचुरी जो है वो भी इस दूसरे इनिंग्स में बनाई। और वहाँ पर एक और चीज़ देखने में मिली कि दोनों टीमों ने बड़ी स्पोर्टिंग डिक्लेरेशन की थी, और लेकिन एंड में ऐसा हुआ कि जो वक्त ज़ाया हो गया था पहले दिन में, जो वक्त ज़ाया हुआ आउटफील्ड गीली होने की वजह से, बारिश होने की वजह से एक जो है वो सेशन और एक आधा सेशन, और इसके अलावा फिर एक दूसरे दिन में जो एक सेशन जो है वो ज़ाया हुआ, तो उसकी वजह से टाइम जो है वो नाकाफ़ी रहा, और इस तरह जो है वो पहला टेस्ट मैच जो है वो बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो चुका है। तो आज जो है वो दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, और बिल्कुल इसमें टॉस टाइम के हवाले से हमने जो है वो सवाल आपसे पूछा था, और आप लोगों ने जवाब जो हैं वो जमा भी करवाए हैं, और टॉस जो है वो हो चुका है। जिम्बाब्वे ने जो है वो टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फ़ैसला जो है वो कर लिया है। सो इसका मतलब ये है कि जिम्बाब्वे की टीम जो है वो बिल्कुल यहाँ पर करेगी बैटिंग। और टैगे नारायण चंद्रपॉल के बारे में मैं दोबारा से बात करना चाहता हूँ कि उन्होंने पहली जो सेंचुरी बनाई तो उसको उन्होंने डबल सेंचुरी जो है वो बना दी, उसको उन्होंने डबल कर दिया, और क्योंकि विकेट जो है वो काफ़ी फ्लैट था और उन्होंने भरपूर जो है वो उसका फ़ायदा उठाया, और मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ के लिए वो एक बहुत ही ज़बरदस्त जिस चीज़ की कमी थी वो एक खिलाड़ी जो है वो साबित हो सकते हैं कप्तान क्रेग ब्रैडफोर्ड के साथ। ब्रैंडन मावूता के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने कॉम्प्लेक्शन जो गेम का था ना उसको चेंज कर दिया। जब वेस्ट इंडीज़ जो है ये मैच जीतने की पोजीशन में थी, यानी कि मैच को ले जाने की में उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी थी, तो वो आए और उन्होंने 5 विकेटें लेकर जो है ना वो जो विजिटर हैं उनकी गेम का जो मोमेंटम है उसको डीरेल कर दिया।
ठीक है, उस फाइफर ने। और बिल्कुल यहाँ पर जो है वो आज का जो मैच है ये डिसाइडर मैच है, और ये 5 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, 3 दिन चलता है या नहीं, क्योंकि अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच, दोनों मजबूत तरीन जो है वो टीमें समझी जाती हैं, उनके दरमियान जो मैच हुआ है, तो वो समझ लें कि कल एक ही सेशन में टीम ऑस्ट्रेलिया जो है वो आउट हो गई, और भारत के खिलाफ उन्होंने कम से कम अपना जो मजमूआ है वो दूसरा कम मजमूआ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कल जो है वो बनाया है। और ख़ास तौर पर जो है वो वहाँ पर उनके जो स्पिनर्स हैं, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, जडेजा तो चलो सारी दुनिया मानती है उनको ऑलराउंडर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अक्षर पटेल जो हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, और वो सिर्फ स्पिनर नहीं है। अश्विन ऑलरेडी सबको पता है कि वो जब भी टीम को ज़रूरत होती है तो रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो रन ज़रूर बनाते हैं। सो कल भी उन्होंने देखें वो थोड़ी सी मजाक वाली बात रोहित शर्मा ने ये की कि जो है ना वो जडेजा जो है वो 249 विकटों पर पहुंचे हुए थे और रविचंद्रन अश्विन जो है वो 4 विकटों पर थे, यानी उनको फाइवर पूरा करने के लिए 1 विकेट चाहिए थी और उनको भी 1 चाहिए थी, दोनों ही ओवर मांग रहे थे, लाइक इस तरह रोहित ने मजाकन ये बात की थी। सो बात ये है कि अक्षर को विकटें तो नहीं मिली, लेकिन अक्षर ने जो बैटिंग की है, मतलब 90 odd runs जो उन्होंने बनाए तो बेहतरीन यार, मतलब T20 में आपको याद है कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग करके श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो है वो मैच भी उन्होंने जो है वो उसमें बड़ी शानदार जो है वो बैटिंग की थी। एनीवेज आप लोगों के कमेंट्स भी ज़रा मैं देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर टॉस जो है वो हो चुका है और मैं देखता हूँ कि कितने लोगों का अंदाज़ा सही रहा। 93% लोगों का ये ख्याल था कि वेस्ट इंडीज़ टॉस जीतेगी, लेकिन यहाँ पर 7% लोगों की बात जो है वो ठीक हुई है, 7% लोगों का ये मानना ठीक हुआ है कि टीम जिम्बाब्वे जो है वो टॉस जीतेगी। एनीवेज आप सारे दोस्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं हूं आपका अपना मेज़बान क्रिकेट कमेंटेटर आसिफ बुखारी, और आप लोगों ने हमें जहां से ज्वाइन कर लिया है तो आप हमारे साथ जो है वो ज़रूर जुड़ चुके हैं। इसका रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है, अब अगला जो पोल है वो मैं कुछ मरतब करने वाला हूँ, और इस पोल में आप लोगों ने ये बताना है कि टीम जिम्बाब्वे जो है वो पहले बैटिंग करते हुए कितने रन जो है वो बनाएगी फर्स्ट इनिंग्स में। कमेंट्स में पढ़ देता हूँ, और क्रिक्स ने हमें ज्वाइन किया है, हाय स्पोर्ट्स क्वीन कहते हैं, गुड नून। तनवीर खान हाथ हिलाकर कह रहे हैं कि जिम्बाब्वे की टीम टॉस जीतेगी, तनवीर खान साहब बिल्कुल आपका जवाब ठीक रहा, लाइक डन सर। स्पोर्ट्स क्वीन कहती हैं कि लाइक मैंने कर दिया है, बहुत शुक्रिया, और वेलकम टू अनदर लाइव स्ट्रीम बॉय आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल, और बहुत शुक्रिया क्रिकेट फैन आपका। परवेज अंसारी कहते हैं टॉस कौन जीता है, टॉस बिल्कुल जिम्बाब्वे जीत चुका है, जिम्बाब्वे वन द टॉस एंड ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट। और यहाँ पर बिल्कुल जो है वो एक नया पोल जो है वो मैं मरतब कर रहा हूँ, और उस पोल में क्या करना है, उस पोल में ये करना है कि जिम्बाब्वे की टीम कितने रन्स बनाती है पहली इनिंग्स में। जिम्बाब्वे की टीम जो है ये पहली इनिंग्स में कितने रन्स जो है वो बनाएगी, बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं ऑप्शन क्रिएट कर देता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो ऑप्शन उसको क्लिक करिए और इस पोलिंग का हिस्सा जो है वो आप बन जाइए। बिलो 230, 230 से नीचे या फिर बिटवीन 231 250, तीसरी ऑप्शन ये है कि बिटवीन 251, 270, और आखिरी ऑप्शन जो है ये है
ओवर 271। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए जो है वो थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा करने के लिए ये एक यहाँ पर पोल मरतब कर दिया गया है, ठीक है। आप इसमें भी पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं। जिम्बाब्वे ने टॉस जीत लिया है, पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया है, तो वो रन्स कितने बनाएंगे ये बिल्कुल आप लोगों से पूछ लिया गया है। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाइए, 230 से नीचे या फिर 231 से 260 के दरमियान या फिर 200 जो है वो एक मिनट। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों की मोहब्बतों का और जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। और डज एनीवन नो व्हाट टाइम द मैच स्टार्ट? Angela Brown, how are you? The match is just going within 18 minutes. And where are you from, Angela Brown? Thank you so much for joining. So after 18 minutes, the first ball will be thrown and Zimbabwe team will bat first. So what is your plan? एंड वेयर आर यू फ्रॉम? प्लीज़ सारे भाई जो हैं वो जहाँ जहाँ से आप लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है ज़रूर जो है वो आप हमें बताएं। और बिल्कुल यहाँ पर जिन दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है, जहाँ जहाँ से ज्वाइन किया है, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज़ मी योर वेरी ओन क्रिकेट कमेंटेटर आसिफ बुखारी और इस वक्त आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं। और ओ माई गुडनेस, नॉट अ बिग न्यूज़, बिग न्यूज़ मैं बिल्कुल आपको बताने वाला हूँ और नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर टीम जिम्बाब्वे। और वहाँ पर बैलेंस जो है वो इस मैच को मिस कर रहे हैं। ओ माय गुडनेस, सो बिग ब्लो फॉर होम टीम। जिम्बाब्वे की जानिब से इनोसेंट काया, तनुवरा मकूनी, चामा चिबाबवा, क्रेग एरवाइन जो कि टीम कैप्टन भी हैं, तफदाजा तसीगा विकेट कीपर, ब्रेंडन मामूता जिन्होंने पिछले मैच में 5 विकेटें भी ली और 50 भी बनाई, विलिंगटन मसाकाजा, विक्टर नाउची, डोनाल्ड ट्रिपानु, मिल्टन शुम्बा, तनाका चिवांगा। और वेस्टइंडीज की जानिब से ग्रेग पैटविट हैं, टेगेनोरायन चंद्रपॉल हैं, काइल मायर्स हैं, रेमोन रेफर, जर्मन ब्लैकवुड, रॉस्टन चेज, जैसन होल्डर, जशोवा डिसिल्वा, अल्जारी जोसेफ, कुदाकेश मोती, शानोन गैब्रियल। जिम्बाब्वे ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, ये बिल्कुल आप लोगों को जो है वो बता दिया गया है। और बिल्कुल यहाँ पर जो है वो सो बैलेंस इज मिसिंग दिस मैच, दिस इज क्रूशियल मैच। और सिकंदर रजा ऑलरेडी जो है वो नहीं है और उनको जो है वो परमिशन मिली हुई है कि अपनी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसको कमिटमेंट्स जो हैं वो उसको पूरी करें और इसलिए जो है वो यहाँ पर वो भी मौजूद नहीं है। सो प्लेइंग 11 आपको बता दी गई है और आपने यहाँ पर जो है वो बिल्कुल बताना है अपने बारे में और आप लोगों ने जो है वो हमें कहाँ से ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रूर जो है वो आगाह कीजिए इस हवाले से।
नहीं जनाब, बिल्कुल पोल आप लोगों के लिए लगा दिया गया है और अब मैच जो है वो शुरू होने में बस 12-13 मिनट जो है वो बाकी रह गए हैं। और बिल्कुल जिम्बाब्वे ने जो है यहाँ पर 3 चेंजिंग्स जो हैं वो की हैं और 11 बैलेंस जो हैं वो मिस आउट हो गए। और ब्रैड इवंस, रिचर्ड नगारवा, मतलब ये तीनों प्लेयर जो हैं ये इसमें मैच में नहीं है। ब्रैड इवंस, रिचर्ड नगारवा जो कि गेंदबाज हैं और बैलेंस जो है ये इस मैच में नहीं है। और मिल्टन चुम्बा, डोनाल्ड ट्रिपानो और चिवांगवा जो हैं ये प्लेइंग 11 में वापस आए हैं। और वेस्ट इंडीज़ के लिए जो है वो शैनन गैब्रियल जो है वो वापस आए हैं और कैमारोच जो है तजर्बाकार गेंदबाज वो इस मैच का हिस्सा जो है वो नहीं है। तनवीर खान कहते हैं 236। हाँ जी बिल्कुल, जो पोल मरतब किया गया है तो उसमें आप ये बता सकते हैं, बिल्कुल उसमें मैंने पहली ऑप्शन लिखी है कि जिम्बाब्वे जो है वो पहली इनिंग्स में कितने रन्स बनाएगा, 230 से नीचे, 231 से 260 के दरमियान, 261 से 280 के दरमियान या फिर 281 के पार, यानी 281 से ज़्यादा। कोई भी ऑप्शन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की और कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। तनवीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम करते हैं। एंजेला ब्राउन, वेलकम वेलकम टू आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। परवेज अंसारी, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। स्पोर्ट्स क्वीन और क्रिक्स, आप सभी दोस्तों को हम दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। और पहला जो है वो टी ट्वेंटी मैच जो है वो उसकी भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वर्ल्ड कप खवातीन का जो टी20 है वो भी परसों से शुरू हुआ है और उसका पहला मैच जो खेला गया था, चले अभी हमारे पास टाइम है सो मैं वो भी कुछ आपको बताना चाहता हूँ। यकीनन आप लोगों ने देखे होंगे मैचेस। पहला जो मैच खेला गया, होम टीम जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो है वो मैच को उन्होंने लूज़ किया और लोगों ने इसको बिग अपसेट जो है वो कहा। हालांकि जो है वो बॉलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है श्रीलंका की और उतने जितने रन उन्होंने बनाए थे वो काफ़ी थे उसको रोकने के लिए, और ट्रिकी जो है वो बॉलिंग थी श्रीलंका के पास। एनीवेज, दूसरे दिन कल जो मैच खेला गया, दो मैचेस खेले गए कल। इंग्लैंड ख्वातीन ने बड़ी आसानी के साथ जो है वो टीम वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त से 2-4 किया। और फिर रात को जो आखिरी मैच खेला गया यानी कि दूसरा, ऑस्ट्रेलिया और टीम न्यूजीलैंड के दरमियान, तो वहाँ पर टीम ऑस्ट्रेलिया ने वन साइडेडली यानी एकतरफा तौर पर जो है वो न्यूजीलैंड को काबू किया और 97 रन से वो मैच जीत लिया। एशले गार्नर अब बहुत ही ज़बरदस्त ये ऑलराउंडर हैं, आमतौर पर ये टी20 में बॉलिंग करती नहीं है लेकिन अब कुछ अर्सा हुआ इन्होंने बॉलिंग करना शुरू की है। 5 विकेट उन्होंने ले दी और पहले ही ओवर में शूट ने 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया और इस तरह जो है वो बड़ी आसानी के साथ न्यूजीलैंड को किया काबू। आज पाकिस्तान और भारत का भी मैच है, पाकिस्तान खवातीन और भारतीय खवातीन का जो है वो टी20 मैच भी है, उस पर भी हम जो है वो चर्चा करेंगे। बिल्कुल विलन ओपी यूट्यूब, रेन चांसेस विलन ब्रदर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको। रेन चांसेस जो हैं वो मैंने बताया पहले कि क्लाउडी ज़रूर है लेकिन आज बारिश का कोई चांस नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं आप कह सकते कि पूरे टेस्ट मैच में आने वाले दिनों में बारिश नहीं होगी। सो दिस इज़ द स्टोरी अकॉर्डिंग टू वेदर। और बिल्कुल एक बैड न्यूज़ है टीम जिम्बाब्वे के लिए कि अपनी मरकजी बल्लेबाज गैरेथ बैलेंस जो है वो आज का मैच जो है वो नहीं खेल रहे, नगारवा मैच नहीं खेल रहे, ब्रैड इवंस मैच जो है वो नहीं खेल रहे। सो यहाँ पर जो है वो 3 तब्दीलियाँ जो हैं वो की गई हैं। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से जो है वो यहाँ पर सिर्फ जो है ना वो 1 चेंजिंग जो है वो की गई है और वो हैं शैनन गैब्रियल जो कि कैमारोच की जगह आए हैं। बाबू लिखू वेस्ट इंडीज, बाबू लिखू कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं। और बिल्कुल वेयर आर यू फ्रॉम, प्लीज टेल अस, वेलकम टू आसिफ बुखारी स्पीक्स यूरोप चैनल। सो दिस इज द स्टोरी सो फार, जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज और ये डिसाइडर मैच है। बिल्कुल इस मैच से फैसला होगा कि कौन सी जो है वो टीम सीरीज जीत जाती है। और यहाँ पर बिल्कुल टॉस हो चुका है, टीम जिम्बाब्वे ने टॉस जीत लिया है और बैटिंग करने का फैसला कर लिया है। सो पोल मरतब कर दिया गया है आप लोगों के लिए, आप बता सकते हैं वहाँ पर कि कितने रन जो हैं वो बनाए जाएंगे टीम जिम्बाब्वे की जानिब से पहले इनिंग्स में। और
और ये मैच कौन जीतेगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर बता सकते हैं। दिस इज मी योर वेरी ओन क्रिकेट कमेंटेटर आसिफ बुहारी एंड यू आर वॉचिंग आसिफ बुहारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। और बाबू लिखू फ्रॉम वेयर ब्रांड लारा फ्रॉम इंडोर वेस्ट इंडीज विनिंग इजी। हाउ बाबू लिखू यू आर फ्रॉम वेस्ट इंडीज ओके मोर देन मोस्ट वेलकम बाबू लिखू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आसिफ बुहारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। So lots of love and lots of respect from this YouTube channel, Babu Liku. So we were talking about the double century made by Chandrapal, his first century, who converted into a double century. और इस तरह ये दोनों जो बल्लेबाज हैं ये क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट तारीख के पहले बाप बेटा यानी कि फादर सन जो हैं वो बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने मुल्क की जानिब से डबल सेंचुरियाँ जो हैं वो बनाई हुई हैं। सो यहाँ पर बिल्कुल अब मैच जो है वो शुरू होने वाला है, सिर्फ 7 या 8 मिनट जो है वो बाकी रह गए हैं। प्लेइंग 11 जो है वो आप लोगों को बता दी गई है। और जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर मैं दोबारा से चाहता हूँ कि मैं आपको प्लेइंग 11 जो है वो एक दफ़ा बता दूँ और ताकि आप लोगों को जो है वो अंदाज़ा जो है वो हो सके। तब्दीलियां जो है वो नहीं की गई वेस्ट इंडीज़ की जानिब से, ख़ास तब्दीली जो है वो नहीं की गई। और यहाँ पर जो है वो कैमारोच को बाहर जो है वो बिठाया गया है। आज कैमारोच जो है वो टीम का हिस्सा नहीं है और शैनन गैब्रियल जो है वो वापस आए हैं। शैनन गैब्रियल जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त ये गेंदबाज हैं और शैनन गैब्रियल जो है ये 34 साल इनकी उम्र है, सीनियर ये क्रिकेटर हैं, राइट आर्म फास्ट ये बॉलिंग करते हैं, बारबाडोस से जो है इनका ताल्लुक़ है। और बिल्कुल देखते हैं कि आज जो है वो कैमारोच की अदम मौजूदगी में ये कितना फ़ायदा पहुंचाते हैं अपनी टीम को। टीम जिम्बाब्वे ने जो है वो 3 बदलाव जो हैं वो कर दिए हैं आज और बिल्कुल ख़ास तौर पर जो उनके गैरेथ बैलेंस की जो अदम मौजूदगी है ये एक बड़ा सवाल जो है इसको जन्म दिया जा रहा है। लेकिन हम इस पर जो है वो बातचीत करेंगे ज़रूर कि यहाँ पर गैरेथ बैलेंस को क्या वजह बन गई कि वो आज इस मैच में जो है वो नहीं है। सो बिल्कुल ये भी आपको जो है वो जल्द बताया जाता है। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। 6 या 7 मिनट जो है वो बाकी हैं इस मैच को शुरू करने के लिए। गैरेथ बैलेंस नहीं है, ब्रैड इवंस नहीं है, रिचर्ड नगारवा नहीं है। सो इस पर जो है वो हम दौरान मैच जो है वो बात करेंगे। T20 वर्ल्ड कप खवातीन का वेमेंस उस पर भी हमने बात कर ली, जैसे कि इंग्लैंड बीट वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया बीट न्यूजीलैंड, श्रीलंका बीट साउथ अफ्रीका। सो आज का जो मैच है वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो मैच होने वाला है। और यहाँ पर टेस्ट मैच जो है जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज़ ये डिसाइडर मैच है बेलाव्यू के मुकाम पर। और बारिश की जो है वो पेशीन गोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बारिश होगी नहीं, आने वाले दिनों में हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। जो पिच है ये बहुत ही ड्राई है और इस पर बैटिंग करना जो है बहुत ही आसान है। और पहले मतलब 2 दिन इस पर बैटिंग करना जो है ये बहुत आसान है। बबलू कुमार सी वी सी किसे बनाएं? बिल्कुल जनाब आप कैप्टन जो है वो बना लें इनको, ब्रेथवेट को बना लें ठीक है। और वाइस कैप्टन जो है वो देख लें। बबलू कुमार कहते हैं बिल्कुल मैंने आपको बता दिया है। और बाबू लिखू थैंक्स मैन, आई एम फ्रॉम द वेस्ट इंडीज, वी गेटिंग बैक गुड प्लेयर्स, इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया टेस्ट। यस ऑफ कोर्स इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया मार्जिनली, वी आर जस्ट इन द थर्ड सेकंड सेशन ऑफ थर्ड डे एंड द मैच वाज ओवर। मोहम्मद गुल सिराज अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मोहम्मद गुल सिराज साहब वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का एहसान है, आप कैसे हैं? सो सारे भाई वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर कर दीजिए। ऑल द लवली पीपल अराउंड द वर्ल्ड, आपने हमें जहाँ से भी ज्वाइन किया है प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक आवर कमेंट्री सो सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। सो बिल्कुल
तीन मिनट के बाद जो है यहाँ पर मैच को शुरू कर दिया जाएगा। पहला बॉल जो है वो फेंक दिया जाएगा और ये विकेट जो है ये बहुत ही खुश विकेट है और यहाँ पर बैटिंग जो है वो कदरे आसान है। सो तवक्को की जाती है कि टीम जो है वो जिम्बाब्वे 260-270 मतलब इससे ज़्यादा रन जो है वो बनाएगी, लेकिन टीम वेस्ट इंडीज़ ऐसा नहीं चाहेगी और वो चाहेगी कि कहीं ना कहीं 220-230 मतलब यहाँ तक जो है वो रोका जाए टीम जिम्बाब्वे को। एंड बाबुलिको, व्हाट डू यू से अबाउट द टोटल ऑफ जिम्बाब्वे फर्स्ट इनिंग्स, हाउ यू प्रेडिक्ट इट? बाबुलिको फ्रॉम वेस्ट इंडीज, सो ऑनरेबल पर्सन फॉर मी स्पेशली because his team is playing on, so Babuliku will remain with us for a while. Thank you. और बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो पोल मरतब किया गया है कमेंट सेक्शन में, बिलो 230, बिटवीन 231 टू 260, बिटवीन 261 टू 280 और ओवर 281. So you may choose your desired option and click your desired option, please. बिल्कुल जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया है यहाँ पर। और अब सिर्फ दो मिनट जो है वो बाकी हैं यहाँ पर पहला बॉल गिरने के लिए और आगाज जो है वो कैसा रहेगा। सो बिल्कुल यहाँ पर आपने बताना है। हाँ जी, अंडरडॉग जिम्बाब्वे जरूर है, लेकिन अंडरडॉग कुछ करते हैं या नहीं देखना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था उसमें कोई अंडरडॉग नहीं था, यकीनन बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी गई भारत की जानिब से और 3.25 दिन में मैच को जो है वो ख़त्म कर दिया गया, मैच जीत लिया गया भारत की जानिब से। बुलाव्यू जिम्बाब्वे सेकंड एंड डिसाइडेड टेस्ट मैच जस्ट गोइंग टू बी स्टार्टेड हियर विद इन 100 seconds. So countdown, please. गैरे बैलेंस जो है वो उनके हवाले से ये खबर आई है कि उनकी पिछले कुछ दिनों से तबीयत जो है वो ख़राब है और अभी तक उन्होंने जो है वो रिकवरी नहीं की है और इस काबिल नहीं है कि वो मतलब बेटर फील कर सकें। सो वहाँ पर बिग लॉस है होम टीम के लिए, गैरे बैलेंस इज मिसिंग दिस टेस्ट मैच। पिच की सूरत हाल मैंने आपको बता दी कि पिच जो है ये बड़ी ड्राई है और इस पर जो है वो ज़्यादा रन जो है वो बन सकते हैं। काया और मकोनी जो हैं ये बिल्कुल आ चुके हैं दोनों बल्लेबाजी पर और यहाँ पर बस मैच शुरू हुआ चाहता है। एक दफ़ा मैच शुरू होने के लिए यार आप लोगों की जानिब से तालियां ज़रूर होनी चाहिए बिकॉज यहाँ पर बड़ी टक्कर है और बड़ी टक्कर इस हवाले से है कि दोनों कप्तानों ने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो डिक्लेरेशन की थी पिछले मैच में, पहली इनिंग्स में जिम्बाब्वे ने और दूसरी इनिंग्स में फिर वेस्ट इंडीज़ ने, और एक चांस लिया था कि मैच का नतीजा जो है वो निकाला जाए, लेकिन टाइम चूँकि काफ़ी ज़ाया हो चुका था, डेट सेशन जो है वो पहले दिन में, डेट सेशन जो है वो दूसरे दिन में, और इस तरह जो है वो मैच मतलब टाइम कम था थोड़ा सा, मतलब इस तरह होता कि दो एक सेशन जो है वो ओवर मिल जाते, मतलब 50 ओवर अगर मिल जाते तो शायद मैच का नतीजा जो है वो भी निकाला जा सकता था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एट योर वेरी ओन स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल आसिफ बुखारी स्पीक्स, और स्पोर्ट्स चैनल पर जो है वो मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर सलमान बुखारी जो हैं वो भी आज आपके साथ जो है वो आएंगे, जो कि क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और बड़े शानदार क्रिकेट कमेंटेटर हैं। सो सलमान बुखारी जो हैं वो भी आप लोगों के साथ आज के दिन में ज़रूर जो है वो मुखातिब होंगे। सो जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन कर लिया है आपको ये बताते हैं कि टीम जिम्बाब्वे ने जो है वो टॉस जीता है, पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, लेकिन उनके मरकजी बल्लेबाज जो है वो गैरे बैलेंस
जो कि इंग्लैंड की तरफ से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट जो है वो खेल रखी है, लेकिन अब उन्होंने जिम्बाब्वे में रिहाइश अख्तियार की है। तो यहाँ पर उन्होंने पिछले मैच में जो है वो शानदार सेंचुरी बनाई और टेगेनराइन की डबल सेंचुरी 207 रन्स नॉट आउट बड़ी एक यादगार सेंचुरी है, क्योंकि बाप बेटा ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दोनों ने अपने 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 मुल्क की जानिब से जो है डबल सेंचुरियाँ बनाई हैं। और सो बैलेंस जो है वो आज टीम में नहीं है, सो देखते हैं टीम जिम्बाब्वे कैसे अपना बैलेंस जो है वो बरकरार रख पाती है या नहीं। और काया जो है वो बिल्कुल मकोनी और काया, सो पहला बॉल है यहाँ पर जोसेफ को बॉल जो है वो थमाया गया है, जोसेफ अल्जारी जोसेफ जो है ये 26 साल इनकी उम्र है, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है और एंटीगुआ से इनका ताल्लुक है। सो यहाँ पर बिल्कुल लगातार दो गेंदें जो है वो डॉट की हैं। सो मैच शुरू हो चुका है और आप लोगों ने पोलिंग में बताना है, पोलिंग में हिस्सा लेना है और जाकर बताना है कि टीम जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करते हुए कितने रन जो है वो बना सकेगी, 230 से नीचे, 231 से 250 या 251 से 280 या फिर 280 से ऊपर रन बनाती है, ये आप अपनी ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो तीसरा बॉल है इस दफा यहाँ पर मकोनी जो है इनकी 23 साल उम्र है और जो है ये दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, हरारे से इनका जो है वो ताल्लुक है, नेशनल टीम का हिस्सा है और वाइट बॉल ज़रूर यहाँ पर फेंका गया है। सो खाता खोल लिया है टीम जिम्बाब्वे ने एक्स्ट्रास के साथ। ओह माय गुडनेस, टेस्ट क्रिकेट में वाइट बॉल, सो बहुत ज़्यादा दूर बॉल चला जाए तो फिर इसको वाइट दिया जाता है, सो इसका मतलब यह है कि काफ़ी दूर गेंद को जो है वो फेंक दिया गया था। अल्जारी जोसेफ फॉर द नेक्स्ट डिलीवरी, मकोनी इज फेसिंग, बुलावियो के मकाम से इस वक्त बिल्कुल आप लोगों के साथ आसिफ बुखारी क्रिकेट कमेंटेटर जुड़ चुका है। और यहां पर यह मैच जो है कौन जीतेगा ये बड़ा जरूरी है, बिकॉज सीरीज का फैसला होना बाकी है। अगला बॉल यहां पर डॉट बॉल आया है, सो वी आर इन द फर्स्ट ओवर और अभी तक वाइट बॉल की सूरत में एक रन जो है वो जरूर बनाया गया है। और बिल्कुल आप लोगों को प्लेइंग 11 बता दी गई है, आज का मैच कौन जीतेगा, कितने रन्स बनाए जाएंगे टीम जिम्बाब्वे की जानिब से और आज के दिन में जिम्बाब्वे जो है वो कितने रन्स बनाएगी ये भी बिल्कुल आप बता सकते हैं। उसके लिए जिम्बाब्वे को नॉट आउट रहना जो है वो पड़ेगा, कम से कम जो है वो एक विकेट का होना जो है वो बाकी होगा। सो डॉट अगेन, सो दिफाई अंदाज यहाँ पर अपनाया है और बिल्कुल जब हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच देख रहे थे तो रोहित जब आए थे तो उन्होंने पहले ही ओवर में 3 चौके जो हैं वो लगाकर एक ज़बरदस्त इंटेंट जो है उसको शो किया था। और कप्तान, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो कप्तान की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो कप्तान के 35-40 रन होते हैं ना कम से कम, मतलब इतने अगर उसके रन होते हैं तो वो 60-70 के बराबर होते हैं, बिकॉज उसका फ़ायदा जो है वो टीम को होता है, दूसरे खिलाड़ियों में एक एतमाद जो है उनका बढ़ जाता है, एक माहौल, एक फिज़ा जो डगआउट की है वो वैसी बन जाती है। सो कप्तान का रन्स करना, कप्तान का इसको कहते हैं ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सो कप्तान का फ्रंट से जो है वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करना ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है किसी भी टीम के लिए, होता है, हो नहीं सकता, होता है। और इस तरह पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है, वाइट बॉल की सूरत में एक रन आया है और यहाँ पर अब सामना करेंगे काया। काया जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज है, इनका नाम है इनोसेंट काया, तो इनोसेंट तो है ये और 30 साल इनकी उम्र है और बिल्कुल लेग ब्रेक ये बॉलिंग भी करते हैं, हरारे से ही इनका ताल्लुक है और नेशनल टीम का ये हिस्सा है, 30 साल इनकी उम्र है और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह का आगाज़ करते हैं। और बिल्कुल बॉल जो है वो थमाया जा चुका है, शनन गैब्रियल 34 साल इनकी उम्र है, मैंने पहले भी आपको बताया है, और टिरिनिदाद टोबैगो से इनका जो है वो ताल्लुक है, लंबे कद के मालिक हैं और 74 इंच जो है वो यानी कि 6 फुट 2 इंच इनका कद है,
तो देखते हैं किस तरह आगाज जो है वो करते हैं। काया, इनोसेंट काया उनका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इनोसेंट काया जो हैं ये बिल्कुल जो हैं वो राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं, ओपनर बल्लेबाज हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी तक बल्ले के साथ जो है वो कोई रन जो है वो नहीं आ सका है। सो फॉर द नेक्स्ट डिलीवरी वंस अगेन पहला बॉल है यहां पर गैब्रियल की जानिब से, पहली गेंद पर अपील कर दी गई है और अंपायर ने उसको रद्द किया है। सो देखना पड़ेगा कि यहां पर जाते हैं या नहीं जाते हैं थर्ड अंपायर के लिए। आसिफ रजा साहब कहते हैं हाय। आसिफ रजा साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, कहाँ से हैं बिल्कुल ज़रूर बताइए। वेलकम मोहम्मद गुलसिराज, सिकंदर रजा है नहीं है, नितीश कुमार कौन जीतेगा भाई, नितीश कुमार भाई बिल्कुल कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं आपको, खुश आमदेद। और सिकंदर रजा जो है ना वो खेल रहे हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं वो, क्योंकि उनकी कमिटमेंट्स हैं मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेज के साथ मुख्तलिफ लीग्स में, तो वहाँ पर वो उनको इजाज़त दी गई है क्रिकेट बोर्ड जिम्बाब्वे की जानिब से। नीतीश कुमार पूछ रहे हैं कौन जीतेगा। नीतीश भाई ये अभी तो समझ लें ये बिल्कुल स्टार्ट ही है, दूसरा ओवर है, अभी 8 गेंदें 9 हुई हैं, तो अभी ये बताना जो है ना ये कबलज वक्त है, बिकॉज़ होम एडवांटेज ज़रूर है। हाँ गैरे बैलेंस जो है वो उनका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, नगारवा का फ़र्क जो है वो ज़रूर पड़ सकता है। आई डोंट थिंक कि मतलब नगारवा को क्यों ड्रॉप किया गया है, लेकिन गैरे बैलेंस जो है उनकी तबीयत ख़राब है, गैरे बैलेंस सेंचुरी मेकर हैं, पिछले मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई है, सो आज के मैच में वो नहीं है, सो उनका फ़र्क जो है ज़रूर पड़ सकता है। जीतेगा कौन हारेगा कौन, मतलब ये कहना मुश्किल है कि वेस्ट इंडीज़ हार जाएगा बनिस्बत इसके कि जिम्बाब्वे हार जाएगा, ठीक है। हाँ ये आप कह सकते हैं कि इन दोनों में से हरवाना जो है अगर किसी को हो तो वो फिर बारिश की अपडेट देते रहना आज। एच दीप कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, आज के दिन में बारिश जो है वो नहीं है और वेस्ट इंडीज़ जीतेगा ऑल इन वन वीडियो। सो ए जी इन्फो पॉइंट मैच ड्रॉ होगा, ए जी इन्फो पॉइंट कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं। और जितने भाइयों ने हमें ज्वाइन कर लिया है आप सभी दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। रेनी डे आज, वेदर रिपोर्ट वहां पर जो है वो बारिश होने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश नहीं होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। और इस तरह 3 रन जो हैं वो बनाए गए हैं यहाँ पर और काया की जानिब से, यहाँ पर खाता खोला गया है अपना और खाता खोला गया है बिल्कुल बल्ले के साथ जिम्बाब्वे टीम का। सो मकोनी सामना करेंगे गैब्रियल का। सो माइक ओवर टू सलमान बुखारी जनाब, बिल्कुल सलमान बुखारी जो है वो बिल्कुल आप लोगों के साथ रहेंगे, साथ निभाएंगे आप को पोइट्री भी जो है, क्योंकि ये पोइट्री बहुत ज़बरदस्त जो है वो करते हैं, सो पोइट्री भी आप इनसे सुन सकते हैं और मैच पर अमत अफसा जो है वो भी जारी रहेगा। हेलो एंड वेलकम बैक, दिस इज़ सलमान बुखारी एंड आपका स्वागत है आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल वेस्ट इंडीज़ जिम्बाब्वे के दौरे पर है और यहाँ पर सेकंड टेस्ट मैच चल रहा है, उसका पहला दिन 1.5 ओवर्स का खेल पहले दिन का तकमील को पहुँचा है, 4 ओवर्स
चार रन बना लिए गए हैं जिम्बाब्वे की जानब से। जिन दोस्तों ने भी अभी हमें ज्वाइन किया है, आपको मालूम पहुँचाते जाएँ कि जिम्बाब्वे ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला कर रखा है और यहाँ पर बिल्कुल जी ये मस्ट विन गेम है दोनों टीम्स के लिए। पिछला मैच ड्रॉ ज़रूर हो गया था, बारिश की नज़र हो गया था, लेकिन इस मैच में, इस मुकाबले में बहुत कुछ देखने को अभी बाकी है। बिल्कुल जी, दो ओवर्स का खेल मुकम्मल, चार बिना किसी नुकसान पर टीम जिम्बाब्वे। आप लोगों ने हमें जहां जहां से भी ज्वाइन कर रखा है, आपकी आमद का है बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एजी इन्फो पॉइंट और ऑल इन वन वीडियो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मकसूद दया कहते हैं नाइस कमेंट्री, आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लाइकिंग द कमेंट्री, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर हमने तीन ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनफैक्ट चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपने बताना है जिम्बाब्वे विल मेक रन्स इन फर्स्ट इनिंग्स, पहली इनिंग्स में जिम्बाब्वे कितने रन्स बना सकते हैं। बिलो 230, 230 से नीचे नीचे, बिटवीन 231 टू 260, 231 से 260 के दरमियान, या फिर 261 से 280 के दरमियान, या फिर अबव 281, या फिर 281 से पार पार चली जाएगी टीम जिम्बाब्वे, ये आपने बता देना है। और बिल्कुल, आप लोगों ने हमें कहाँ से ज्वाइन किया हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा, तरीका एक और बहुत आसान है, आपको बताते जाएं। आप सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चलिए आपको रिमाइंड करवा देते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और आ जाइए कमेंट सेक्शन में। आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, आप अपना एनालिसिस लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपका एनालिसिस जो है, आपका जो कमेंट होगा, हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक दफ़ा फिर से अल्ज़ारी जोसेफ कंटिन्यू करेंगे, सामना कर रहे हैं इनोसेंट काया। जी बिल्कुल, यहाँ पर राजेश ने हमें ज्वाइन कर रखा है देहरादून इंडिया से और आप पूछते हैं कि पिच रिपोर्ट क्या है। पिच देखिए राजेश, यहाँ पर जो है बल्लेबाजी के लिए काफ़ी आसान पिच है और यही वजह है कि शायद कप्तान क्रेग एरवाइन ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। और यहाँ पर आपने देखा, पिछले मैच में भी आपने देखा कि इस पिच पर कप्तान ब्रैथवेट और टेगी नारायण चंद्र पॉल के दरमियान क्या लाजवाब पार्टनरशिप लगाई गई और किस तरह से चंद्र पॉल जूनियर, उन्होंने डबल सेंचुरी बना डाली। सो यहां से अंदाज़ा हो सकता है और अंदाज़ा ये होता है हमें कि बिल्कुल ये बैटिंग पिच है, यहां पर बल्लेबाजों को काफ़ी मदद मिलेगी और शायद यही वजह थी कि कप्तान क्रेग एरवाइन जो हैं उन्होंने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। यहाँ पर मकोनी क्रैम्पिंग की वहाँ पर सूरत हाल से दो चार हैं, कुछ मसला ज़रूर चल रहा है और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ सीरियस इंजरी उनको ना हो गई हो, कुछ सीरियस परेशानी की बात ना हो। जी हाँ बिल्कुल, काया के ग्लव्स पर ये गेंद लगा था और उसकी वजह से थोड़े से चोटिल हो गए हैं, पेन में नज़र ज़रूर आते हैं नसन काया और हम उम्मीद करते हैं कि किसी किस्म की कोई सीरियस इंजरी ना हो जाए। ठीक है, जब प्लेयर्स इस मकाम पर पहुंच जाते हैं तो फिर इंजरी, मेरा ये मानना है कि इंजरी एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि बाज़ोकात प्लेयर के पूरे कैरियर पर असर छोड़ जाता है और ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं काया के साथ और बिल्कुल फिजियो वहाँ पर मौजूद ज़रूर हैं और फिजियो जो हैं इनोसेंट काया बिल्कुल मैजिक स्प्रे किया ज़रूर जा रहा है उनके हाथ पर, लेकिन मैजिक स्प्रे के बावजूद वो तकलीफ से जो है चिल्ला ज़रूर रहे हैं इनोसेंट काया। शॉर्ट बॉल था जोसेफ की जानिब से, तेज़ गेंद था, सीधा जा के उनके निचली साइड जो होती है ग्लव की वहाँ पर लगा और ऐसा लगता है जैसे शायद उनका जो नाखून है, जो नेल है, वो ज़ख्मी हो गया है और उसकी वजह से परेशानी ज़रूर हो रही है काया को बल्ला पकड़ने में, उसको जो है ग्रिप करने में।
बिल्कुल जी, हमारे साथ बीडी न्यू डिजाइनिंग शर्मा जी जुड़ चुके हैं और भरमदेव शर्मा बिहार से आपने हमें ज्वाइन कर रखा है। बिहार, भारत से जितने भी दोस्तों ने हमें ज्वाइन कर रखा है, आपकी आमद का है बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्वागत है आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर। और रवि कास ब्रदर ने हमें ज्वाइन कर लिया है, इंडिया यूपी फतेहपुर। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इमरान लिख रहे हैं ये पैगाम। मोहम्मद इमरान, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर, आपको वेलकम करते हैं। और क्रिकेट न्यूज़, बिल्कुल क्या सवाल है आपका, ज़रूर पूछिए। सूरज सूद ने हमें ज्वाइन कर लिया है और इनका ये मानना है कि विंस, हु विल विन सूरज सूद, ये भी आप हमें बताइएगा। और बिल्कुल इनोसेंट काया जो हैं वहाँ पर चोटिल ज़रूर हो गए हैं अल्जारी जोसेफ की गेंद पर। और विभाव, इंडिया कोलकाता से, बिल्कुल जी कोलकाता, जब भी नाम लिया जाता है कोलकाता का तो फिर यहाँ पर एक बहुत बड़े खिलाड़ी जो हैं भारत की जानिब से, लाजवाब कप्तान सौरव गंगुली, जो दादा के नाम से भी जाने जाते हैं क्रिकेट के हलकों में, उनके एरिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं विभाव। विभाव, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है आपके लिए बिकॉज ऑफ सौरव गंगुली। जी हाँ बिल्कुल, सारे दोस्त जो हैं एक दफ़ा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। प्लीज़ टेल मी पिच रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट अनिल सिंह ये सवाल पूछ रहे हैं। अनिल सिंह, पिच रिपोर्ट के बारे में अगर आपको बताएं तो यहाँ पर जो है बैटिंग पिच है ये, और बल्लेबाजों को खासी यहाँ से जो है हेल्प मिलने वाली है, मदद मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि इनोसेंट काया विल कंटिन्यू। और एक परेशानी जो नज़र आ रही थी कि शायद काया जो हैं वापस चले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी देर से जो है वहाँ पर फिजियो मौजूद थे उनके साथ, लेकिन फाइनली उनकी जानिब से एक अच्छा डिसीजन लिया गया है। मैं समझता हूँ कि दिलेराना डिसीजन लिया गया है काया की जानिब से और वो अपने इनिंग्स का जो है उसको जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल जी, अल्जारी जोसेफ विल कंटिन्यू और सामना कर रहे हैं मकोनी। मकोनी इज़ देयर, इनोसेंट काया इज़ देयर, और बिल्कुल इनकी जानिब से यहाँ पर देखना होगा कि कितने रन्स बना सकती है टीम जिम्बाब्वे। कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर हमने तीन ऑप्शंस आपके लिए मुरतब करवा रखे हैं और उन तीन ऑप्शन से आप, चार ऑप्शन से जो है आप अपना पसंदीदा मनचाहा ऑप्शन जो है उसको ज़रूर क्लिक कर सकते हैं। आपकी आमद का है बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। वंस अगेन जोसेफ विल कंटिन्यू एंड सामना कर रहे हैं मकोनी, और वहां पर सॉलिड डिफेंस किया गया है मकोनी की जानिब से। तीन ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, तीन ओवर्स के खात्मे पर पांच बिना किसी नुकसान पर टीम जिम्बाब्वे। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शंस हमने आपको दे रखे हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर हमने आपसे पूछ रखा है कि जिम्बाब्वे विल मेक रन्स इन फर्स्ट इनिंग्स बिलो 230, 230 से नीचे नीचे, बिटवीन 231 टू 260, 231 से 260 के दरमियान, 261 से 280 के दरमियान, ओवर 281 या फिर 281 के पार चली जाएगी टीम जिम्बाब्वे फर्स्ट इनिंग्स में, ये आपने हमें बता देना है। आप लोगों की आमद का है बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल यहाँ पर बाबू लिखू हैज़ जॉइन अस फ्रॉम वेस्ट इंडीज़, इज़ फ्रॉम द टाउन ऑफ लेजेंडरी क्रिकेटर फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ ग्रेट ब्रायन चार्ल्स लारा। बाबू लिखू इज सेइंग लेट्स गेट अ विकेट बिफोर 15 रन्स। ओके, बाबू लिखू इज़ प्रेडिक्टिंग एंड एक्सपेक्टिंग वन विकेट बिफोर 15 runs.
is from West Indies and supporting his team, West Indies. Babuliku is looking for massive records as well, and he's from West Indies. मोहम्मद इमरान लिखते हैं कि इंडिया यूपी फतेहपुर, जिम्बाब्वे 200 रन्स बनाएंगे। चलें जी देखते हैं जिम्बाब्वे जो है कितने रन्स बना सकते हैं। 200 रन्स का दावा ज़रूर कर दिया गया है मोहम्मद इमरान भाई की जानिब से। और शर्मा जी कहते हैं कि 230 से 361 रन्स तो बना ही सकती है टीम जिम्बाब्वे फर्स्ट इनिंग्स में। चलिए शर्मा जी देखते हैं आपका जो है प्रडिक्शन वो ठीक साबित होती है, मोहम्मद इमरान जो हैं उनकी प्रडिक्शन सच साबित होती है, या फिर बाकी भाई जो हैं बाकी दोस्त जो हैं वो भी आप अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप अपना एनालिसिस कमेंट्स की सूरत में बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सारे दोस्त जो हैं एक दफ़ा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया है। टीम वेस्ट इंडीज़ जो हैं जिम्बाब्वे के दौरा पर हैं और बिल्कुल सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। ये मस्ट विन गेम है फॉर बोथ ऑफ द टीम्स। और पहला मैच जो है बारिश की नज़र हो गया था और उसकी वजह से मैच को ड्रॉ करार दे दिया गया था, लेकिन उसमें कमाल के रिकॉर्ड्स बनाए गए थे। जूनियर चंद्रपॉल जो हैं उनकी जानिब से बेहतरीन खेल पेश किया गया था, डबल सेंचुरी उन्होंने बनाई थी। और बिल्कुल शिव नारायण चंद्रपॉल 1 एंड चंद्रपॉल 2, ये जो है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट हिस्ट्री में फादर सन ड्यू ऐसा बन गया है जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई है। और बिल्कुल इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट। और बिल्कुल ये कारनामा जो है पाकिस्तान की जानिब से हनीफ मोहम्मद और शुएब मोहम्मद जो हैं वो भी जो है इस लिस्ट में मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर कोई ऐसी खिलाड़ी हैं अगर आपको लगता है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि डबल सेंचुरी जो है किस किस ने बनाई है। फादर सन की बात कर रहे हैं अम्मा। अनिल सिंह कहते हैं कि जिम्बाब्वे 250 प्लस रन्स बना देंगे। न्यू डिजाइनिंग शर्मा जी कहते हैं कि 231 से 260 करेक्शन की है इन्होंने शर्मा जी ने। और रोशनी भल्ला लिखती हैं कि 300 रन्स तो बना डालेगी टीम जिम्बाब्वे। चले रोशनी देखते हैं कि आपकी बात जो है कहां तक ठीक साबित होती है। आप लोगों ने जहां जहां से भी हमें ज्वाइन कर रखा है आपकी आमद का है बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। बाबुलिको इज प्रेडिक्टिंग जिम्बाब्वे विल मेक 180 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग्स। ओके बाबुलिको, बाबुलिको जो है इनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज से है एंड ही इज राइटिंग दैट जिम्बाब्वे विल मेक ओनली 180 रन्स इन देयर फर्स्ट इनिंग्स। ऑल राइट बिल्कुल जी आप लोगों की मोहब्बत का है बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। और बिल्कुल वीडियो को सारे दोस्त जो हैं एक दफ़ा ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल जी, यहाँ पर हमारे दोस्त हमारे मित्र सुशील कश्यप ने हमें ज्वाइन कर लिया है। लिखते हैं कि हाय हाय सुशील, कैसे हैं आप, बड़े दिनों के बाद आज मुलाकात हुई है। और बिल्कुल एक शेर मुझे ज़रूर याद आ गया है और वो भी हम आपकी नज़र ज़रूर करेंगे। और बिल्कुल यहाँ पर बाबुलिको कहते हैं कि आई एम कमिंग टू विजिट मुंबई इंडिया। बिल्कुल जी मोस्ट वेलकम बाबुलिको,
मुंबई आ पाए, आप जो हैं यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम। एंड स्पोर्ट्स क्वीन ने हमें ज्वाइन कर लिया है, योर कमेंट्री इज आउटस्टैंडिंग एंड शी इज राइटिंग, योर वॉइस इज अमेजिंग सर, थैंक यू सो वेरी मच स्पोर्ट्स क्वीन फॉर योर एप्रिसिएशन। एंड शिवम कुमार कहते हैं कि पर 350 बनने चाहिए। ओके, शिवम कुमार जो हैं इन्होंने अपनी प्रेडिक्शन दे दी है। शिवम कुमार, आपने हमें कहाँ से ज्वाइन किया हुआ है ये भी आप हमें बताइएगा। और बिल्कुल यहाँ पर चौथा ओवर जो था वो बिल्कुल मेडन फेंका गया है बिना किसी रन्स के, और चार ओवर्स की तकमील के बाद पांच बिना किसी नुकसान पर टीम जिम्बाब्वे। और बिल्कुल यहाँ पर कंटिन्यू किए हुए हैं जोसेफ अल्जारी जोसेफ, और बिल्कुल सामना कर रहे हैं मार्कुनी। सारे दोस्त जो हैं, सारे भाई जो हैं, वीडियो को एक एक दफ़ा ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने हरगिज़ नहीं भूलना है, क्योंकि 20,000 सब्सक्राइबर जो है हमारे वो पूरे होने वाले हैं। और आज के दिन में हमारा ये टारगेट है कि हमने करीब करीब 18,000 सब्सक्राइबर आज हमारे पूरे हो जाने हैं। सो वो टारगेट तो हमने आज पूरा ज़रूर कर देना है, लेकिन हमारा मेजर टारगेट जो है, जो एक सुनहरी लम्हा है जिसको गोल्डन मोमेंट कहा जा सकता है, उसका आप लोगों ने गवाह बनना है, और बिल्कुल आपने हमारे साथ बने रहना है। ये कारवां आप लोगों ने बिल्कुल इसको जो है अपनी मोहब्बतें आपने हमारे साथ बनाए रखना है, और अपनी मोहब्बतें बांटते बांटते इसको हमने 20,000 सब्सक्राइबर, उस सुनहरी लम्हे का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। और बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आप हमारे साथ बने रहते हैं, यह आपका प्यार है। ये अगर ये प्यार इसी तरह चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं है जब बिल्कुल ये YouTube चैनल जो है ये बिल्कुल एक बड़ी कम्युनिटी बनकर ज़रूर उभरेगा। एनीवेज, क्रिकेट न्यूज़ HD, बिल्कुल आप मेल पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, और वहाँ पर आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ वहाँ पर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू क्रिकेट न्यूज़ HD। और बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शाह साहब, और लिखते हैं कि हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल शाह साहब, आपका स्वागत है, आपको वेलकम कर रहे हैं अनदर मेडन ओवर। और यहाँ पर पाँच ओवर्स का खेल जो है तकमील को पहुँचा जिम्बाब्वे, पाँच ओवर्स की तकमील के बाद पाँच ही रन बना पाई है बिना किसी नुकसान पर। मकोनी ने 17 गेंदों का सामना ज़रूर कर रखा है और अभी तक अपना खाता खोलने में है नाकाम। इनोसेंट काया ने 13 गेंदों का सामना करते हुए 4 ही रन बनाए हैं। सुहेल जुनेदी कहते हैं कि 350 रन, जबकि शिवम कुमार कहते हैं कि यूपी से भाई बिल्कुल जी, उत्तर प्रदेश से शिवम कुमार ने हमें ज्वाइन कर रखा है। बाबुल लिखू हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेस्ट इंडीज से, और बिल्कुल बाबू लिखू इज राइटिंग, यस स्पोर्ट्स क्वीन, हिज कमेंट्री इज आउटस्टैंडिंग, आई गॉट माय फेवरेट यूट्यूब चैनल नाउ, थैंक यू सो वेरी मच बाबू लिखू फॉर योर एप्रिसिएशन, थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड बेस्ट विशेज। बाबू लिखू ही हैज जॉइंड अस फ्रॉम वेस्ट इंडीज, एंड लेट मी टेल ऑल ऑफ यू दैट ही इज फ्रॉम द टाउन ऑफ लेजेंडरी क्रिकेटर ब्रायन चार्ल्स लारा। बाबू लिखू, डॉक्टर लतीफ़ कहते हैं कि हेलो आसिफ भाई, हाय डॉक्टर साहब कैसे हैं। बिल्कुल जी, हमारे चैनल के डॉक्टर आ गए हैं, और किसी को बिल्कुल यहाँ पर कोई मेडिसिन रिक्वायर्ड हो तो बिल्कुल डॉक्टर साहब वहाँ पर मौजूद हैं। और शाह साहब कहते हैं द बेस्ट कमेंट्री आई हैव लिसन सो फॉर, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारी कमेंट्री को पसंद फरमा रहे हैं, ये आपका ताउन है, ये आपका प्यार है। और बिल्कुल एक सुनहरी लम्हा जो है उसके हम बिल्कुल करीब करीब पहुंच चुके हैं, 18,000 सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल पर बिल्कुल मुकम्मल होने के पास पास हैं, और 20,000 सब्सक्राइबर जो है एक ऐसा पड़ाव है जिसका मुझे है बेसब्री से इंतज़ार। और इस दफ़ा जो है इनोसेंट काया ने गैब्रियल जो है उनको आते ही आड़े हाथों लेने की कोशिश की है, गेंद को उठाकर पहुँचा दिया है बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए, फर्स्ट बाउंड्री ऑफ सेकेंड टेस्ट मैच बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड टीम जिम्बाब्वे। फर्स्ट बाउंड्री आ गई है इनोसेंट काया की जानिब से, और मैं बताता जाऊँ आपको कि इनोसेंट काया जो हैं
थोड़ी देर पहले ही अलजारी जोसेफ ने एक शॉर्ट पिच गेंद फेंका था जो कि सीधा इनके ग्लव्स पे लगा था, ग्लव्स की निचली साइड पर लगा और नाखून शायद इनका जो है वो डैमेज हो गया था। मैजिक स्प्रे इन पर ज़रूर लगाया गया इनके हाथ पर और इंजर्ड हैंड के साथ, इंजर्ड फिंगर के साथ, इंजर्ड नेल के साथ इनोसेंट खाया इज बैटिंग एट द मोमेंट एंड द फर्स्ट बाउंड्री ऑफ द मैच। बिल्कुल जी, एक दफ़ा फिर से सामना करेंगे इनोसेंट खाया, सामना वहाँ पर गेंदबाजी के लिए गैब्रियल एम्पायर को क्रॉस किया और इस दफ़ा जो है सॉलिड डिफेंस दिखाया गया है इनोसेंट काया की जानिब से। और शिवम कुमार लिखते हैं कि आप कहाँ से हो भाई? बिल्कुल, मेरा ताल्लुक जो है आई एम फ्रॉम बेसिकली गुजरात पंजाब पाकिस्तान। शिवम कुमार, आई एम फ्रॉम गुजरात पंजाब पाकिस्तान। और शाह साहब कहते हैं कि फीडबैक इज़ नॉट टू मच अकॉर्डिंग टू योर फिनोमिनल कमेंट्री। कोई बात नहीं, आप लोग हमारी कमेंट्री को पसंद फरमाते रहते हैं और बिल्कुल अपना फीडबैक जो है कमेंट्री के ऊपर ज़रूर दीजिएगा हमें। हमारी कमेंट्री आपको कैसी लग रही है और बिल्कुल इस पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आप लोगों ने, आप दोस्तों ने अगर वीडियो को अभी तक, इस स्ट्रीम को अभी तक लाइक नहीं किया है तो चलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने हरगिज़ नहीं भूलना है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन, फॉर योर बेस्ट विशेज। बिल्कुल जी, यहाँ पर इनोसेंट काया जो है थोड़ा सा इंटेंट उनकी जानिब से ज़रूर शो किया गया है कि हम जो है इनिंग्स को बढ़ावा भी देंगे, आप के लिए परेशानियां जो है वो बनाकर भी रखेंगे और विकेट भी नहीं गंवाएंगे। कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां पर हमने आपके लिए पोलिंग ज़रूर मरतब करवा रखी है और उस पोलिंग के मुताबिक जिम्बाब्वे विल मेक रन्स इन फर्स्ट इनिंग्स, कितने रन्स बना सकते हैं जिम्बाब्वे बिलो 230, 230 से नीचे नीचे बिटवीन 231 टू 260, 231 से 260 के दरमियान बिटवीन 261 टू 280, 261 से 280 के दरमियान या फिर ओवर 281 या फिर 281 के पार। और इस दफ़ा जो है उठाकर खेलने की कोशिश इनोसेंट काया की जानिब से, गेंद को पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन के पार चार रन के लिए। इनोसेंट काया इज शोइंग सम एग्रेशन आउट देयर और बिल्कुल गैब्रियल जो है उनको आड़े हाथ लिया गया है इसी ओवर में, दो बाउंड्रीज लगाकर ये जो है अलम बुलंद कर दिया गया है इनोसेंट काया की जानिब से कि हम घबराएंगे नहीं बल्कि यहाँ पर जो है रन्स बटोरने की कोशिश की जा रही है इनोसेंट काया की जानिब से। एक बिल्कुल बीस्ट मोड जो है इनोसेंट काया यहाँ पर धारने की कोशिश ज़रूर है उनकी जानिब से, दो चौके लगाकर ये जो है एक अलम ज़रूर बुलंद किया गया है इनोसेंट काया की जानिब से कि बिल्कुल चोटिल वो ज़रूर हैं, दर्द में ज़रूर नज़र आते हैं लेकिन इसके बावजूद काउंटर अटैक किया जा रहा है इनोसेंट काया की जानिब से। और बिल्कुल इस दफ़ा फिर गैब्रियल जो हैं गेंद करवाने के लिए तैयार, अंपायर को क्रॉस किया, सामना कर रहे हैं इनोसेंट काया, सॉलिड डिफेंस करके यहां पर 6 ओवर्स की तकमील जो है वो हो चुकी है। 13 रन बनाए गए हैं 3 जिम्बाब्वे की जानिब से और अभी तक किसी नुकसान का खदशा जो है वो जिम्बाब्वे ने अपने सर पर नहीं लिया है। आप लोगों ने जहाँ जहाँ से भी हमें ज्वाइन कर रखा है आप क़यामत का है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में हमारे यंगेस्ट कमेंटेटर मूसा बुखारी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और बिल्कुल उनकी प्रेडिक्शन जो हैं वो भी हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। और बिल्कुल डॉक्टर लतीफ़ हमारे चैनल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब ऑफ दिस चैनल इज़ देयर, बाबू लिखू इज़ देयर और बिल्कुल शिवम कुमार इज़ देयर और आप लोगों की मोहब्बत का है बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल मूसा द यंगेस्ट कमेंटेटर ऑफ दिस चैनल ऑफ दिस पैनल मूसा बुखारी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मूसा आपकी एज कितनी है, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और बताएंगे कि आपकी एज कितनी है। 8 साल इनकी उम्र है और बिल्कुल ये रिश्ते में मेरे भतीजे लगते हैं और यहाँ पर क्रिकेट
जो है इनकी प्रिडिक्शंस बड़ी कमाल की होती हैं और पशीन गोई कमाल की करते हैं। और यहाँ पर मूसा जो है जेसन होल्डर बिल्कुल अटैक करने के लिए हैं, इनोसेंट काया वहाँ पर सामना करने के लिए तैयार हैं। चेंज ज़रूर किया गया है बॉलिंग में। आपको क्या लगता है कि आज पहला सवाल तो हम आपसे ये पूछते हैं जो सवाल हमने पोल में मुरतब करवा रखा है कि जिम्बाब्वे विल मेक रन्स इन फर्स्ट इनिंग्स, पहली इनिंग्स में जिम्बाब्वे कितने रन्स बना सकते हैं। ऑप्शन हमने दे रखे हैं, चार ऑप्शंस हैं। आपको क्या लगता है मूसा, 230 रन्स, 231 से 260, 260 से 280 या फिर 281 के पार चली जाएगी टीम जिम्बाब्वे? 261 से 280 वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 हैज़ बिन क्लिक बाय मूसा बुखारी। इनका ये मानना है कि 261 से 280 के दरमियान रन्स बन सकते हैं। उसा टीम जिम्बाब्वे की जानिब से कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि नुमाया कारकर्दगी दिखा सकते हुए दिखाते हुए हाईएस्ट रन्स बनाएंगे टीम जिम्बाब्वे की जानिब से? क्रेग एरवाइन, बिल्कुल जी, एरवाइन जो हैं कैप्टन हैं और मूसा की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि क्रेग एरवाइन जो हैं वो ज़्यादा रन्स बनाएंगे। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से कौन से ऐसे गेंदबाज हैं, कौन से ऐसे बाउलर हैं जो ज़्यादा विकटें ले उड़ेंगे? ज़रा सोचिएगा इस पर और सोच कर जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बाबू लिखू हमारे साथ वेस्ट इंडीज़ से, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, फ्रेंड ऑफ ours has joined us from वेस्ट इंडीज़। और बिल्कुल शिवम कुमार हमारे साथ हैं, शाह साहब हमारे साथ हैं और बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जहाँ जहाँ से भी जुड़ चुके हैं आपकी आमद का है बहुत बहुत शुक्रिया। तो मूसा आपको क्या लगता है कि कौन से गेंदबाज जो हैं ज़्यादा विकटें आज ले उड़ेंगे, आज नहीं मतलब इस इनिंग्स में ज़्यादा विकटें अपने नाम कर सकते हैं वेस्ट इंडीज़ की जानिब से? आपको क्या लगता है? किमा रोज तो आज इस प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं है और बिल्कुल ज़रा चेक कीजिएगा प्लेइंग 11 पर, उसके बाद फिर आप हमें बताइएगा। रवि प्रताप यादव ने हमें ज्वाइन कर लिया है, कहते हैं कि गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून रवि प्रताप, कैसे हैं आप? और बिल्कुल रवि आपने हमें कहां से ज्वाइन कर रखा है? जेसन होल्डर कमाल के, मैं समझता हूँ ये बॉलिंग ऑलराउंडर इनको कंसिडर किया जाता है और गेंदबाज तो ये कमाल के हैं ही, दराज कद रखते हैं और उसकी वजह से जो है गेंद बल्लेबाजों के लिए हमेशा ही परेशानी बना के रखते हैं। जब जब इनकी टीम वेस्ट इंडीज़ को ज़रूरत पड़ी है जेसन होल्डर हैज़ ऑलवेज परफॉर्म्ड फॉर हिज टीम। और बिल्कुल यहाँ पर जो है जेसन होल्डर को लगा दिया गया है। इनोसेंट काया जो हैं ज़रूर सामना करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। साजमील हुसैन भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साजमील भाई आपका स्वागत है, आपको वेलकम कर रहे हैं हम आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर। हमारे दोस्तों के लिए बता दीजिएगा साजमील भाई आपने हमें कहां से ज्वाइन कर रखा है। और बिल्कुल यहां पर कमेंट सेक्शन में हमने चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, उसमें से आप अपना मनचाहा ऑप्शन जो है उसको भी ज़रूर क्लिक कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि जिम्बाब्वे पहली इनिंग्स में कितने रन्स बना सकती हैं? 7 ओवर्स का खेल यहां पर मुकम्मल ज़रूर हो चुका है, 16 बिना किसी नुकसान पर टीम जिम्बाब्वे। रवि प्रताप लिखते हैं कि आई एम फ्रॉम इंडिया यूपी, उत्तर प्रदेश से हमारे दोस्त हमारे मित्र रवि प्रताप ने हमें ज्वाइन कर रखा है। रवि प्रताप आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको वेलकम करते हैं। यूपी और बिहार से जितने भी दोस्तों ने हमें ज्वाइन कर रखा है आपका बहुत बहुत स्वागत है। साजमील हुसैन कहते हैं कि वेस्ट बंगाल मालदा, बिल्कुल जी वेस्ट बंगाल मालदा से साजमील हुसैन भाई समेत जितने भी दोस्तों ने हमें ज्वाइन कर रखा है आपकी आमद का है बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो चलिए हम आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। 65 लाइक्स हमारे पास आ चुके हैं और जल्दी से हमने 100 लाइक्स मुकम्मल करने हैं, 35 लाइक्स बाकी रह गए हैं। तो चलिए ज़रा जल्दी से वहाँ देखिएगा, लेफ़्ट साइड पर आपको थंब इम्प्रेशन नज़र आ रहा होगा, थंब का आइकॉन आपको नज़र आ रहा होगा, बस आपको आपने उसको दबा देना है और वीडियो लाइक हो जाएगी। गैब्रियल एक दफ़ा फिर से कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर सामना कर रहे हैं मकोनी। बड़ी यहाँ पर हैरानी की बात है मेरे लिए कि मकोनी जो है 18 गेंदों का सामना उन्होंने ज़रूर कर रखा है और अभी तक खाता खोलने में नाकाम है।
रवि प्रताप पूछते हैं कि सर कल आपको इंडिया की विन कैसी लगी। मैं कहता हूं रवि प्रताप के क्या बात है, भारत ने जिस अंदाज से वहां पर जकड़ के रखा, जिस अंदाज से बांध के रखा टीम ऑस्ट्रेलिया को, टेस्ट फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से बांध के रखना, मैं समझता हूं कि ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। जिस कमाल अंदाज से गेंदबाजी की गई वहां पर भारतीय गेंदबाजों की जानिब से, और उसके बाद जो बल्लेबाजी दिखाई गई बल्लेबाजों की जानिब से, 10 out of 10 आई मस्ट से रवि प्रताप के बेहतरीन खेल पेश किया गया, ज़बरदस्त लाजवाब। जितनी तारीफ की जाए भारतीय टीम की उतनी कम है, आपकी टीम कमाल का खेल उन्होंने पेश किया और मैसिव रिस्पेक्ट है भारत टीम के लिए। और बिल्कुल एक और कांटे का मुकाबला जो है ज़रूर दूसरे टेस्ट मैच में देखने को मिलेगा, और जब इस तरह का खेल पेश किया जाता है ना तो फिर मैच का मज़ा ज़रूर दोबाला हो जाता है। ऐसा ही कुछ भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला जो खेला गया था, पहला टेस्ट मैच जो खेला गया था उसमें देखने को मिला था। मीर बिलाल हमारे साथ, हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं। मीर बिलाल कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया मीर बिलाल, आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, आपकी मोहब्बत का है, बहुत बहुत शुक्रिया। और रवि प्रताप लिखते हैं कि अश्विन इज़ द बेस्ट। बिल्कुल जी, अश्विन जो है एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं और गेंदबाजी से तो वो परेशानी बल्लेबाजों के लिए ज़रूर खड़ी करते हैं अश्विन, रविचंद्र अश्विन, लेकिन बल्लेबाजी जब करना पड़ जाए तो फिर वहाँ पर रेजिस्टेंस अश्विन की जानिब से ज़रूर शो की जाती है। और कमाल, मैं समझता हूँ कि रविंद्र जडेजा हो गए, रवि अश्विन हो गए, ये कमाल का पेयर है जी, ये कमाल की इनकी जोड़ी है। और मीर बिलाल लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आसिफ ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम मीर बिलाल, कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं मीर साहब, सेहत तबीयत सब फिट फाट ओके। बाबुल लिखो इज़ देयर, और बिल्कुल बाबुल लिखो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप लोगों की आमद का है बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ बिल्कुल, 8 ओवर्स का खेल यहाँ पर मुकम्मल ज़रूर हो चुका है, और 8 ओवर्स की तकमील के बाद टीम जिम्बाब्वे 16 रन बना पाई है अभी तक बिना किसी खिलाड़ी का नुकसान उठाए हुए। अनदर मेडन ओवर अब बाय गैब्रियल, और बिल्कुल गैब्रियल जो हैं 4 ओवर्स उन्होंने फेंके हैं, 12 रन दिए हैं, अभी तक किसी खिलाड़ी को वो आउट करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। और बिल्कुल जी आप लोगों ने जहाँ जहाँ से भी हमें ज्वाइन कर रखा है, आपकी मोहब्बत का है बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल, और वीडियो को लाइक करना आप मत भूलिएगा। और मीर बिलाल कल से ISP, मीर बिलाल क्या लिख दिया आपने, आपकी जो है आपको कमेंट को मैं समझ नहीं पाया मीर साहब, दोबारा लिखिएगा ज़रा। रवि प्रताप लिखते हैं कि सर यू आर ग्रेट बिकॉज यू सपोर्ट ऑल टीम्स। एब्सोल्युटली रवि प्रताप, दिस इज़ ओवर स्लोगन, दिस इज़ ओवर मोटो दैट वी ऑलवेज सपोर्ट गुड क्रिकेट ऑल अराउंड द ग्लोब।
whether a player is from Pakistan, from India, from West Indies, from South Africa, from England, from Australia, जहाँ कहीं से भी जो जो खिलाड़ी जो अच्छा खेल पेश करते हैं, हम हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। यही हमारा पैगाम है, यही हमारा मंत्रा है। और बिल्कुल और रिस्पेक्ट फॉर ऑल एंड लव फॉर ऑल, ये हमारा पहला पैगाम है। सो थैंक यू सो वेरी मच रवि प्रताप, आप हमारे साथ मोहब्बत बांट रहे हैं, आप हमारे साथ जो है प्यार बांट रहे हैं, आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम प्रकाश सैनिक इज अवर रेगुलर व्यूवर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश इज सेइंग दैट 441 ओके। रवि प्रताप इज सेइंग थैंक्स सर, यू आर मोस्ट वेलकम रवि प्रताप। और बिल्कुल मीर बिलाल कल से पीएसएल, ओके बिल्कुल पीएसएल की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल जी, पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसका फीवर सर चढ़कर बोल रहा है। और बिल्कुल पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जो हैं और ये टूर्नामेंट जो है, ये लीग जो है, बिल्कुल सर पर आन पहुंची है। और इसका जो मैच है कल से इसका आगाज़ करवा दिया जाएगा, ये मालूमात हमारे साथ पहुंचा रहे थे मीर बिलाल। जेसन होल्डर विल कंटिन्यू हियर वंस अगेन और सामना कर रहे हैं इनोसेंट काया। मकोनी जो हैं, मकोनी यहाँ पर मेरी हैरानी में इजाफा करते चले जा रहे हैं। 23 गेंदों का सामना उन्होंने कर रखा है और अभी तक अपना खाता खोलने में है नाकाम। और डॉक्टर लतीफ़ लिखते हैं कि आज मूसा भतीजा कहाँ है। मूसा जो है अभी थोड़ी देर पहले हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए हुए थे, उनकी जानिब से यहाँ पर प्रेडिक्शंस वो करके चले गए हैं वापस। और थोड़ी देर में मूसा जो है दोबारा से हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे डॉक्टर साहब। और बिल्कुल जी, यहाँ पर रवि प्रताप यादव पूछ रहे हैं विच टीम सपोर्ट इन पीएसएल। आई विल सपोर्ट द रियल क्रिकेट ओनली रवि प्रताप। बिल्कुल हम न्यूट्रल रहते हुए जो टीम अच्छा खेल पेश करेगी, चाहे वो लाहौर क्लंदर हो, पेशावर जलमे हो, कराची किंग्स हो, मुल्तान सुल्तान्स हो, क्वेटा ग्लैडिएटर्स हो, कोई भी टीम हो, जो टीम अच्छा खेल पेश करेगी हम हमेशा उसको अप्रिशिएट करते हैं और अप्रिशिएट करते रहेंगे, उसको सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करते रहेंगे। यही हमारा मंत्रा है, यही हमारा पैगाम है कि रिस्पेक्ट फॉर ऑल, लव फॉर ऑल। और जो टीम, जो खिलाड़ी अच्छा खेल पेश करेगा उसको आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल की जानिब से हमेशा जो है सपोर्ट किया जाता है, उसको हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। और मीर बिलाल सर थैंक्स, यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम। मीर साहब आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूवर हैं और आप हमेशा जो है कोई ना कोई मालूमात ज़रूर आप हमारी खदमत में लेकर पेश होते रहते हैं। स्पोर्ट्स क्वीन लिखती हैं कि लविंग योर कमेंट्री सर, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स क्वीन, आप हमारी कमेंट्री को पसंद फरमा रहे हैं। और बिल्कुल यहाँ पर पहला विकेट ज़रूर आ गया है, पहला विकेट आ गया है। और बिल्कुल अलजारी जोसेफ ने यहाँ पर माकूनी को चलता कर दिया है। और जो बात हम कर रहे थे कि हमारी हैरत में इजाफा करते चले जा रहे हैं माकूनी, 23 गेंदों का सामना इन्होंने किया था और बिना अपना खाता खोले वहां पर मौजूद थे और 24वीं गेंद का सामना करते हुए अपना कैच थमा बैठे हैं। और जोशुआ डिसिल्वा बिहाइंड द स्टंप्स, उन्होंने किसी किस्म की वहां पर कोई मिस्टेक नहीं की है, वहां पर किसी किस्म की कोई चूक नहीं दिखाई है। और यहां पर पहला विकेट, पहला झटका टीम जिम्बाब्वे को ज़रूर लग चुका है। मकोनी को वापस आना पड़ेगा, 24 गेंदों का सामना ज़रूर किया उन्होंने लेकिन बिना कोई रन्स बनाए, अपना खाता खोले बगैर ही पवेलियन वापस लौट गए हैं। पहली कामयाबी, पहली सफलता जो है यहाँ पर लिखी जा चुकी है वेस्ट इंडीज़ के खाते में। और अलजारी जोसेफ जो है क्रेडिट इनको दिया जाएगा, पहला विकेट ज़रूर चटकाने में हो गए हैं कामयाब अलजारी जोसेफ। बिल्कुल जी, यहाँ पर
पहला विकेट चटकाने में कामयाब हो गए हैं। मकोनी हैज़ टू गो बैक टू द पवेलियन और बिल्कुल डे सिल्वा जो हैं बिहाइंड द स्टंप्स, उन्होंने किसी किस्म की कोई गलती नहीं की है उनकी जानब से नहीं की गई है और एक ब्रिलियंट कैच जो है वहाँ पर ज़रूर लिया गया है। यहाँ पर मकोनी अपने आप से नाखुश हैं और बिल्कुल गुस्सीले अंदाज में पवेलियन वापस लौट गए हैं। लेकिन जब आप एक्सट्रीम बैक फुट पर चले जाते हैं तो फिर इस तरह तो हो जाता है, वो कहते हैं ना कि किस लिए फिरते हो उदास सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, तो फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में जब आप एक्सट्रीम बैक फुट पर चले जाते हैं तो फिर विकेट उड़ने का खदशा हमेशा लगा रहता है। और कुछ ऐसा ही मकोनी के साथ भी हुआ है। एनीवेज, नए आने वाले बल्लेबाज हैं 37 साला चेभाबा, 4 मैचेस उन्होंने खेलकर 164 रन बना रखे हैं। स्ट्राइक रेट 38.77 का है, एवरेज 20.5 सिफर की है। बेस्ट जो है इनका कैरियर बेस्ट 60 रन हैं। और रवि प्रताप यादव कहते हैं कि व्हाट अ लवली आइडिया सर जी, थैंक यू सो वेरी मच रवि प्रताप, आप जो हैं आप खुद बहुत अच्छे हैं, आप खुद पॉजिटिव इंसान हैं और इसीलिए शायद आपको हमारे जो है सोच, हमारे जो थॉट्स हैं वो अच्छे लगते हैं। आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का रवि बहुत बहुत शुक्रिया। चामो चेभाबा इज द न्यू प्लेयर ऑन द क्रीज और बिल्कुल जी देखना होगा कि चेभाबा जो हैं और इनोसेंट काया इनके दरमियान कितने रन्स की पार्टनरशिप लगती है, पार्टनरशिप लगती भी है या नहीं, ये देखना बाकी है। और बिल्कुल उस्मान रंधावा हमारे रेगुलर व्यूअर हैं गुजरावाला पाकिस्तान से, उस्मान रंधावा का ताल्लुक है। रंधावा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको हम वेलकम कर रहे हैं आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर। और उस्मान रंधावा लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रंधावा साहब आप कैसे हैं, कैसे मिजाज हैं और क्या मसरूफियात हैं? और उस्मान रंधावा और बाकी तमाम दोस्तों के लिए, कुछ दिन हमने ब्रेक ज़रूर लिया था लेकिन ऐसा नहीं है कि वो शेर मुझे ज़रूर याद आ रहा है। और बिल्कुल आप सबकी नज़र एक शेर के, बहुत दिन से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम तुम्हें भूल गए हों, ऐसा भी नहीं, और बिल्कुल जी हम आपको नहीं भूल सकते। और एक ब्रेक थ्रू लिया था लेकिन उसके बाद हम वापस आ गए हैं और इस दफ़ा जो है इनोसेंट काया ने गेंद को उठा कर खेलने की कोशिश की है और गेंद को पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन के पार 4 रन्स के लिए। इस ओवर में विकेट गिरा हुआ है, ये याद रखिएगा। अलज़ारी जोसेफ जो हैं शुरू में आते ही गालिबन तीसरे ओवर में इन्होंने शॉर्ट पिच गेंद एक करवाया था और जाके सीधा इनोसेंट काया के अंगूठे पर लगा था और उनका जो नेल है वो ज़ख्मी हो गया था और उसके बाद जो है मैजिक स्प्रेन के हाथ पर किया गया और अपने ज़ख्मी हाथ के साथ, इंजर्ड हैंड के साथ इनोसेंट काया जो है इस बैटिंग एट द मोमेंट। लेकिन देखिए ज़रा इनोसेंट काया जो हैं यहाँ पर इंटेंट शो ज़रूर कर रहे हैं कि हम घबरा नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो है जब जब हम पर अटैक किया जाएगा तो हम काउंटर अटैक करने की सलाहियत ज़रूर रखते हैं। एक दफ़ा फिर से अलज़ारी जोसेफ ने अंपायर को क्रॉस किया, सामना कर रहे हैं इनोसेंट काया, टिक टिकी बांधे गेंद की तरफ नज़रें ज़रूर जमाए रखे हुए हैं वहाँ पर इनोसेंट काया और इस दफ़ा सॉलिड डिफेंस कर दिया गया उनकी जानिब से। और बाबुलिकू ही इज़ फ्रॉम वेस्ट इंडीज़, I was close, let's go. Babuliku, yes, absolutely. Your prediction was quite close to what you were predicting and absolutely. So make another prediction, Babuliku. What do you think second wicket will come between below 50 runs or above 50 runs? Babuliku, you have to tell us this as well. Second wicket kab aayega? उस्मान वंदावा जो हैं लिखते हैं कि जिम्बाब्वे ऑल आउट हो जाएगा 236 रन्स पर, 236 रन्स ऑल आउट जिम्बाब्वे। वेरी वेरी नाइस शेर, मीर बिलाल लिखते हैं, बहुत शुक्रिया मीर बिलाल, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी ज़रा कोई तड़पड़ाता हुआ, कोई जो है ना थिरथराता हुआ शेर आप भी ज़रा आने दीजिए
आप लोग अपना पसंदीदा मनचाहा शेर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। और उस्मान रंधावा कह रहे हैं कि आप इतने दिन कहाँ थे, निजी मसरूफियात की वजह से उस्मान रंधावा जो है हम चैनल पर नहीं आ सके, लेकिन वो मसरूफियात ख़त्म हो चुकी हैं और दोबारा से हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। टू विकेट्स बिफोर 30 रन्स, दिस इज़ व्हाट बाबू इज प्रिडिक्टिंग। बाबू इज क्लेमिंग दैट टू विकेट्स विल गॉन बिफोर 30 रन्स। ओके बाबू, लेट्स सी whether your prediction is gonna correct this time as well or not, we have to wait and have to watch as well. 10.1 overs ka khel zarur yahan par mukammal ho chuka hai, 21 ek khiladi ke nuksan par team Zimbabwe. Chibaba naye aane wale ballebaaz hain, 3 gendon ka samna karte hue unhone ek hi runs banaya hai abhi tak. Innocent Kaya jo hain, ek intent unki janib se zarur show kiya ja raha hai, 19 रन उन्होंने ज़रूर बना रखे हैं जिसमें 3 चौके शामिल हैं, 34 गेंदों का सामना उन्होंने किया हुआ है अभी तक। और जेसन होल्डर विल कंटिन्यू हियर, जेसन इज अ टॉल मैन और बिल्कुल परेशानी जो है बैट्समैन के लिए ये ज़रूर खड़ी करते रहते हैं। और विकेट हमेशा जेसन होल्डर जो है चटकाने में महारत रखते हैं। जी हाँ बिल्कुल, उस्मान रंधावा कह रहे हैं कि प्लीज़ लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान की कमेंट्री करें। बिल्कुल जी, कमेंट्री करेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग की कमेंट्री जो है हम आपकी खिदमत में लेकर ज़रूर हाजिर होंगे। बड़े टक्कर के मुकाबले वहाँ पर उस्मान रंधावा वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे और कमाल का खेल पेश किया जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रा आप लोग जाइएगा, वहाँ पर हमने आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको क्या लगता है कि जिम्बाब्वे जो हैं फर्स्ट इनिंग्स में कितने रन्स बना सकते हैं? अपना मनचाहा ऑप्शन जो है उस पर आप ज़रूर क्लिक कर सकते हैं। 40% लोगों का बाय द वे अभी तक ये मानना है कि बिलो 230 230 से नीचे ही रन्स रहेंगे टीम जिम्बाब्वे के, और ये 40% लोगों का ये मानना है। आज भारतीय ख़वातीन और पाकिस्तानी ख़वातीन विमेन जो हैं इनके दरमियान भी वर्ल्ड कप का मैच खेला जाना है, और इस पर भी जो है चर्चा हम ज़रूर करते रहेंगे आपके साथ। और बांग्लादेश और श्रीलंका विमेन के दरमियान कल मैच खेला जाएगा 10 बजे, दिन 10 बजे। सो सेकेंड टेस्ट मैच बिटवीन वेस्ट इंडीज़ एंड जिम्बाब्वे, डे 1 सेशन 1। और बिल्कुल टॉस ज़रूर जीता गया था जिम्बाब्वे के कप्तान क्रेग एरवान की जानिब से, और उनकी जानिब से टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया गया था। एन अदर मेडन ओवर 11 ओवर्स की तकमील के बाद 21-1 टीम जिम्बाब्वे। आप लोगों ने जहाँ जहाँ से भी हमें ज्वाइन कर रखा है, आप किताबुन आपकी मोहब्बत आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल 18,000 सब्सक्राइबर आज हमारे ज़रूर पूरे हो जाने हैं, और उस खूबसूरत लम्हे का हमें बेसब्री से इंतज़ार है जब हमारे जो टारगेट है पहला पड़ाव 20,000 सब्सक्राइबर का पूरा हो जाएगा। तो उस सुनहरी लम्हे का, उस गोल्डन मोमेंट का आप लोगों ने गवाह रहना है। ये कारवां जो हमने शुरू किया है, तो बिल्कुल ये आपकी मोहब्बत जब जब हमारे साथ रहेगी, ये कारवां इसी तरह चलता रहेगा। माई फेवरेट टीम इज़ लाहौर कलंदर है। उस्मान रंधावा इज़ राइटिंग दिस मैसेज एंड ही सेइंग माई फेवरेट टीम इज़ लाहौर कलंदर। बिल्कुल जी, लाहौर कलंदर आपको किस वजह से पसंद है उस्मान रंधावा? ऐसी क्या बात है लाहौर में
कि आपको लाहौर कलंदर पसंद है, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से आपको लाहौर कलंदर पसंद है? स्पोर्ट्स क्वीन लिखती हैं कि माय टीम इज़ क्विटा बिकॉज ऑफ इफ्तखार इफ्तखार चाचा। ओके ओके बिल्कुल जी, इफ्तखार अहमद जो हैं इस वक्त सुप्रीम फॉर्म में हैं, सुप्रीम टच में हैं। एक ओवर में 6 छक्के उन्होंने झड़ दिए थे वहां पर पंजाब के वज़ीर खेल वहाब रियाज को, और आते ही जो है एक पैगाम दे दिया है इफ्तखार अहमद ने कि इफ्तिमानिया जो है यहाँ पर डोमिनेट करेगा PSL में, और इफ्तखार अहमद जिस टीम की तरफ होंगे तो मुखालिफ टीम जो है वो उसके गेंदबाज थर थर ज़रूर कांपते रहेंगे। इस दफ़ा जो है बिल्कुल इस ओवर में एक और चौका लगा दिया गया है इनोसेंट काया की जानिब से, डोंट बॉदर चेजिंग इट बिकॉज दिस शॉट इज़ फ्रॉम द बैट ऑफ इनोसेंट काया एंड आई प्लेजिंग शॉट फ्रॉम काया एंड एब्सोल्यूट ट्रीट टू वॉच इनोसेंट काया द वे इज बैटिंग। और बिल्कुल यहाँ पर अलसारी जोसेफ जो हैं इनको आड़े हाथों जरूर लिया जा रहा है काया की जानिब से, और बिल्कुल काया जो हैं कहीं ना कहीं हेडेक ज़रूर दे रहे हैं वहाँ पर, परेशान ज़रूर कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाजों को। और अगली गेंद जो है सॉलिड डिफेंस के साथ बल्ला उठाने की सहमत नहीं की गई है एनएसएन काया की जानिब से। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो है इनोसेंट काया ने इस ओवर की 5वीं गेंद पर तेज़ी के साथ 2 रन्स मुकम्मल किए, और बिल्कुल तारीफ़ करना पड़ेगी यहाँ पर थोड़ा सा फील्डर जो हैं चूक गए और इसी चीज़ से फ़ायदा उठाया गया है वहाँ पर इनोसेंट काया की जानिब से। तेज़ रनिंग की गई है बिटवीन द विकेट्स। आप लोगों ने जहाँ जहाँ से भी हमें ज्वाइन कर रखा है वंस अगेन आपका स्वागत है, आपको हम वेलकम कर रहे हैं आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। उस्मान रंधावा कहते हैं कि शाहीन आफरीदी फखर जमान डेविड वीजे और लाहौर कलंदर टीम का ऑनर है। बिल्कुल जी, यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक जरूर चल रहा है। 12 ओवर्स का खेल तकमील को पहुँचा 28 पर 1 टीम जिम्बाब्वे। इनोसेंट काया ने 40 गेंदों का सामना करते हुए 26 रन, जबकि चेभाबा ने 8 गेंदों का सामना करते हुए 1 ही रन अभी तक अपने खाते में लिखवाया है। और शिवामे सिंह कहते हैं हाय भैया, हाय भैया कैसे हो आप शिवामे सिंह साहब। और उस्मान रंधावा जो हैं लाहौर कलंदर्स को PSL मैं सपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह उन्होंने बता दी है कि शाहीन शाह आफरीदी हैं वहाँ पर, डेविड वीजे वहाँ पर हैं, और फखर जमान वहाँ पर मौजूद हैं, हारिस रऊफ भी तो वहाँ पर मौजूद हैं, बेन डकेट भी तो वहाँ पर मौजूद हैं, और बिल्कुल राशिद खान भी तो वहाँ पर मौजूद हैं उस्मान रंधावा। और लाहौर कलंदर जो हैं इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि ख़तरनाक तरीन टीम लग रहे हैं, और सुप्रीम फॉर्म में हैं शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और फखर जमान वहाँ पर हैं, तो डेविड वीजे
डेविड वीज़े कमाल के वैसे बाय द वे खिलाड़ी हैं, और जब जब डेविड वीज़े जब जब लाहौर कलंदर को ज़रूरत पड़ी है कि नीचे से रन्स बनाए जाएं, तो आके उन्होंने ना सिर्फ रन्स बनाए हैं बल्कि बहुत से मौक़ों पर उन्होंने अपनी टीम लाहौर कलंदर्स को मैच ज़रूर जितवाया है। डेविड वीज़े ऐसे कमाल के जो है ना वो ऑलराउंडर हैं, जब उनको गेंद थमाया जाता है तो विकटें भी चटकाते हैं, जब उनको बल्ला दिया जाता है तो क्या ही खूब वो बल्ला घुमाते हैं, गेंद को पहुंचाते हैं बाउंड्री के पार 4 रन्स के लिए। कुछ ऐसी जो है ऐसी इंटेंट के साथ मैदान में उतरते हैं कि अपना 100% देते हैं, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे गेंदबाजी हो, हर लिहाज से डेविड वीज़े जो हैं 10 में से 10 नंबर्स उनके लिए मेरी जानिब से। और मोहम्मद हकीम ने हमें ज्वाइन कर लिया है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद हकीम, कैसे हैं आप, कैसे मिजाज हैं आपके और कैसी सूरत हाल रही और क्या मसरूफियात हैं हकीम साहब? आप तमाम दोस्त जहाँ जहाँ से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपकी मोहब्बत का है बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए मैं आप सबको याद करवा रहा हूँ कि ज़रा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। मैच समरी अभी तक आपको बता देते हैं। टाइम फॉर रिंग्स ऑन द डे वन ऑफ दिस सेकंड टेस्ट मैच, द फर्स्ट आवर सॉ जस्ट 12 ओवर्स फ्रॉम द वेस्ट इंडीज पेसर्स, बट दे विल बी हैप्पियर ऑफ द टू साइड्स आफ्टर बीइंग इंडक्टिंग टू बॉल फर्स्ट। जिम्बाब्वे ओपनर्स बैटेड कॉशियसली एंड प्लेड आउट मोस्ट ऑफ द ओवर्स। इनोसेंट काया इज लुकिंग गुड एट 26 रन्स एंड ही इज नाउ एज चामो शिभाबा एज हिज बैटिंग पार्टनर, who has just come to the crease after the dismissal of Makuni for a 20-ball duck. Usman, okay. Band Duckett ke hawale se aap hume bata rahe hain, aur yahan par hamare saath jud chuke hain Rajesh ji. Rajesh, aapka swagat hai, aapko welcome kar rahe hain hum Asif Bukhari Speaks Europe channel par. गेंदबाजी में यहाँ पर जो है कुछ तब्दीली ज़रूर की गई है, और गुदाकेश मोती उनको लगवा दिया गया है यहाँ पर फर्स्ट साइन ऑफ स्पिन फ्रॉम वेस्ट इंडीज़, और स्पिनर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। गुदाकेश मोती 28 साल गुदाकेश मोती हैं, और बिल्कुल राइट आर्म लेग स्पिनर इनका रोल है, ये बॉलर हैं, और बिल्कुल जी इन्होंने अभी तक 2 ही मैचेस खेले हैं जिसमें 6 विकटें उन्होंने ले रखी हैं, और 4 विकटें जो हैं चटकाते हुए 50 रन दिए थे इन्होंने, इनका कैरियर बेस्ट है। उस्मान रंधावा कहते हैं कि 2002 में डेविड वीज़े ने 2022 में डेविड वीज़े ने बहुत से मैचेस जीतने में बड़ी मदद की है। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर एंड देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। उस्मान रंधावा, डेविड वीज़े इज़ अ कम्प्लीट बैटिंग ऑलराउंडर, आई मस्ट से कमाल के वो खिलाड़ी हैं, और ऐसा खिलाड़ी टीम में मौजूद ज़रूर होना चाहिए जो कि मैच का पासा ही पलट कर रख दे, चाहे वो गेंदबाजी की बात की जाए, चाहे वो बल्लेबाजी की बात की जाए। डेविड वीज़े हमेशा अपना 100% देते हैं और उनकी कोशिश होती है कि उनकी टीम कभी भी मैच ना हारे। इस प्रकार की वो बल्लेबाजी करते हैं, इस प्रकार की वो गेंदबाजी करते हैं, और लाजवाब खिलाड़ी हैं बाय द वे डेविड वीज़े। बिल्कुल जी, गुदाकेश मोती जो हैं यहाँ पर, जेसन होल्डर जो हैं उनको रिमूव किया गया है और इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है यहाँ पर मोती को, और मोती जो हैं यहाँ पर गेंद करवाने के लिए तैयार। पहली गेंद पर इनोसेंट काया ने गेंद को उठा कर खेला है बाउंड्री के पार, लेकिन वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद थे, सो यहाँ पर तेज़ी के साथ 2 रन ज़रूर बटोरने की कोशिश की गई है इनोसेंट काया की जानिब से। रनिंग बिटवीन द विकेट जो है उस पर भी हम ज़रा नज़र अगर दौड़ा दें तो तारीफ ज़रूर करना होगी। इनोसेंट काया यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी ज़रूर कर रहे हैं, 29 रन्स बना रखे हैं उन्होंने और 42 गेंदों का सामना करते हुए।
आप लोगों ने जहाँ जहाँ से भी हमें ज्वाइन कर रखा है, आप तमाम दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे दोस्तों एक एक दफ़ा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चले मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 18,000 सब्सक्राइबर आज हमारे ज़रूर पूरे हो जाने हैं, और अगर आप यूं ही प्यार बांटते रहे हमारे साथ तो बिल्कुल 18,000 सब्सक्राइबर जो है हमारे जल्द ही पूरे हो जाएंगे। और आज का टारगेट बाय द वे यही है हमारा, क्योंकि 17,600 सब्सक्राइबर हमारे जो हैं वो हो चुके हैं, और 400 सब्सक्राइबर हमें मज़ीद चाहिए होंगे 18,000 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए। सारे दोस्त जो हैं एक एक दफ़ा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि 19 लाइक्स बाकी रह गए हैं 100 लाइक्स के पार जाने के लिए। बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हेलो एवरीवन। और बिल्कुल जी